तो भाई कई दिन का ब्रेक था और कई दिन के ब्रेक के बाद हमारी जो है वापसी और उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर। अब आपने देखा होगा अभी फॉर्म निकले हुए हैं दिल्ली पुलिस के, तो उसका पैटर्न आपने देखा होगा ध्यान से। तो उसमें ये है 50 नंबर के तो आएगी जीके, ठीक है जीके, इसमें इंक्लूडेड है आपकी करंट अफेयर्स भी आएंगे, यानी कि जो फिलहाल जो चल रहा है करंट अफेयर्स भी है और आपकी इंडिया के जीके भी 50 नंबर की आएगी, ठीक है। 25 नंबर का और आपकी रीजनिंग होगी भाई, ठीक है ना, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी। 15 नंबर का आपका मैथ्स होगा और बचे कितने 10 नंबर के आपके क्या होगी कंप्यूटर होगी भाई, ठीक है ना, कंप्यूटर ये हमारे पास होंगे टोटल उसके 50, 25, 15, 10, इसके हिसाब से हमारा पैटर्न रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो मैथ्स का है, अब चूँकि ये जो एग्ज़ाम है ये SSC कंडक्ट करवा रही है, तो SSC जब कंडक्ट ऐसा जो एग्ज़ाम करवाती है उसमें हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आराम से करना, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इसी एग्ज़ाम में आएगा, नहीं, सभी एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं, देखें कैसे करेंगे भाई। सबसे पहली बात, ये हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस देखिए, आप किसी भी दो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले दो एंगल्स को समझ लीजिए, फिर आपके पास क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आती है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है भाई, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरी नज़र ऐसी होनी चाहिए थी, कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है तो मुझे अब उसको ऐसे देखना पड़ेगा इस पोजिशन से। तो मतलब जो ये एंगल है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे भाई, ठीक है। मतलब मुझे कोई सी चीज़ को ऐसे देख सकता था बिल्कुल सामने, लेकिन चीज़ ऊपर है तो मुझे अब उसको ऐसे देखो, अब नज़र ऐसे ऊपर जाएगी, तो जो जिस डिस्टेंस यानी कि जो ये हमने जो ये एंगल है इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब उसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है भाई, ठीक है। सेकंड चीज आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन एंगल हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए मुझे बिल्कुल सीधा देखना है ऐसे, मतलब मेरी नज़र ऐसे होनी चाहिए थी देखते टाइम, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है कोई चीज़ है वो यहाँ है तो मुझे उसको ऐसे देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना भाई। तो जो ये जो हमारी एंगल बना यहाँ पर, ये अल्फा जो एंगल बना, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है, इसका क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में लोगों को समस्या कहाँ आती है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने में। अब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने में आपको समस्या कहाँ पे आएगी, समस्या आएगी जब आपसे कहा जाए कि भाई टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी, टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी। आधे लोग तो टेन कोट को देख के छोड़ देते हैं, छोड़ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें विदाउट ट्रिग्नोमेट्री भी तो हो सकते हैं क्वेश्चन, वो कैसे होंगे देखिए ज़रा। सबसे पहले मैं आपको इनका एक रेशियो होता है वो कैसे होता है, क्यों होता है, सारा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एक तो जब एंगल कितने डिग्री का दे रखा हो, 30 का दे रखा हो, तो एक एंगल हमेशा क्या होगा, राइट एंगल, क्योंकि भाई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, 90 डिग्री का आपको एंगल मिलेगा वहाँ पे, ठीक है ना, ट्राइंगल में। तो एक तो 30 का, एक 90 का, तो भी इसी बात है कि एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, तो तीसरा कितने का मिलेगा हमें, 60 डिग्री का मिलेगा भाई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब ये जो है हमारे पास, एक तो ट्रायंगल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब इसमें हेर फेर हो सकता है कि 60 का यहाँ जाए 30 का वहाँ चला जाए। तो ट्रायंगल थी हमारे पास ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC है। अब जो साइड है उसको हम कैसे लिखते हैं, इसकी साइड को, ये कैपिटल A है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल A, ये कैपिटल B है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल B, ये अगर कैपिटल सी है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो स्मॉल सी मिलेगी आपको। अब इन साइड का रेशियो कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास होता है एक साइन लॉ होता है, ठीक है, साइन लॉ। वो क्या कहता है, पहली साइड जो साइड ये है अपोन इसके अपोजिट जो एंगल है उसे साइन के फॉर्म में लिख दो, यानी कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू बी अपोन साइन बी इज इक्वल टू
सी अपून साइन सी। अब देखो मेरी बात, ए अपून साइन ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए के ऊपर 60 डिग्री का है तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 60 इज इक्वल टू बी के ऊपर साइन बी के सामने देखो कितने का है, 90 डिग्री का है भाई, तो कितने लिखूंगा, साइन 90 डिग्री। और सी के ऊपर कितने का, सी देखिए सी जो है 30 डिग्री का है, तो यहाँ पर कितने लिखूंगा, साइन 30 डिग्री। अब आपको ये याद नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि बाद में आप कभी कहोगे कि भाई ये कौन सा ट्रिक है, ट्रिक नहीं होती है, सब कुछ ट्रिक नहीं होती है, यहाँ से चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम यूज़ करेंगे कैसे। देखिए अब हमसे कोई अगर ए की वैल्यू पूछे तो साइन 60 इन सबको मैं मान लो एक के बराबर रख दूँ तो साइन 60 की वैल्यू भैया डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में, तो साइन 60 मुझे मेरे पास ए की वैल्यू निकलेगी, उधर मैं भेज दूंगा 90 के पास, 90 को उधर भेज दूंगा 1 की तरफ, तो साइन 90 की वैल्यू मिलते बी की निकल जाएगी, ऐसे सी की, मतलब इन तीनों साइड का रेशियो मिल जाएगा हमें। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, देखिए साइन 60 कितना होता है भाई, रूट 3 अपॉन 2 होता है। रेशियो बी की वैल्यू कितनी है, साइन 90, साइन 90 कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। रेशियो साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, ये होता है। देखिए अब 2 2, तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर नहीं बचना चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करते मेरा खत्म हो जाएगा, इसको मैं 2 से कर रहा हूँ, इधर भी 2 से ही करनी पड़ेगी, 2 से 2 कैंसिल, इधर 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया रूट 3 रेशो 2 रेशो 1। कहने का मतलब ए साइड, मतलब ये तो हमारी कितनी होगी, ए साइड कौन सी थी हमारे पास, अब भाई देखो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है, तो ये आया रूट 3 रेशो 2 रेशो 1, तो ये हमारे पास ए साइड थी, तो ये ए तो कितनी आई रूट 3, बी साइड कितने रेशो कितना आया 2 आया, और ए साइड का रेशो कितना आया 1, ये तो रेशियो आया, साइड थोड़ी ना आई। अब मैं साइड हमें निकालनी है, तो मैं एक कॉन्स्टेंट में मान लेता हूँ तीनों का सेम, इसका भी ए मान लेता हूँ, इसका भी ए मान लेता हूँ, और इसका भी ए मान लेता हूँ, तो मतलब कहने का ये है 60:30:90 जो है आप उसे याद रखोगे कैसे, 60 को आप किस फॉर्म में याद रखोगे, रूट 3 ए में, रेशो 30 को किस में याद रखोगे ए में, और 90 को किस में याद रखोगे 2 ए में। अब इसका यूज कैसे होगा वो आपको बताऊंगा मैं क्वेश्चन में। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास इन्हीं रेशियो का यूज करके जो एक टाइप और बचती है उसमें आते हैं दो, जब दोनों एंगल कितने डिग्री के हो भाई, 45 डिग्री के हो। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, ये 45 डिग्री का है, तो ये भी कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है भाई, ए बी सी। अब इसका रेशियो कितना होगा, तो इसका रेशियो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप निकालोगे वैसे तो इतना ही आएगा, ये 1:1:40 ये रूट 2 आएगा, मतलब 45 था तो सामने 1 हो गया, ये 45 है तो ये भी 1 ही होगा, और ये कितनी होगी, रूट 2 होगी भाई, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं भाई अब हम। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए हिल, एक हिल की टॉप से जो कि 200 मीटर ऊंची है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है, जो ऊपर से जो कोण बनता है नीचे की तरफ उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर, एक किसी टावर के टॉप और बॉटम, मान लीजिए कोई टावर है, ये हम हिल के ऊपर खड़े हैं, तो एक तो यहाँ पर देख रहे हैं टॉप के ऊपर और एक हम देख रहे हैं बॉटम के ऊपर, तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है और 60 डिग्री का है, द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर की हाइट क्या होगी, ठीक है ना भाई, सिंपल सी सीधे हैं, आप सिर्फ लाइन को ढंग से उसकी हिंदी बनाना सीख जाओ, ठीक है, हिंदी में कई बार क्या होता है उन्नयन कोण दे देता है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इनको एलिवेशन और डिप्रेशन दो ही चीज़ें याद रखो तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे, मान लीजिए ये कोई हिल थी, कोई ये हिल है 200 मीटर ऊंची है, कोई आदमी यहाँ खड़ा है, ये कोई टावर है तो देख रहा है, तो एक तो यहाँ पे देख रहा है वो और एक कहाँ देख रहा है, बॉटम पे देख रहा है भाई, ठीक है, मतलब ये हमारे पास मान लीजिए बेस है उसका भाई, ज़मीन है, ज़मीन पे टावर ये रहा, हिल ये रही, ये तो हिल हो गई, ये टावर हो गया, ठीक है। अगर आदमी देख रहा है ऊपर से तो कितना कितना एंगल, जो टावर ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 60 डिग्री,
मतलब टॉप पे ऊपर कितने का बन रहा है 30 डिग्री का। अगर यहाँ देख रहा है वो, तो मान लीजिए मैं इसको इससे मिला लेता हूँ, तो ये एंगल जो है, मतलब ये जो देखो उसको देखना तो ऐसे था लेकिन वो देख कैसे रहा है, तो ये 30 डिग्री का है। आपको एक लॉजिक बताता हूँ, देखो जब दो लाइन पैरेलल हो उनको एक तीसरी लाइन काटती है तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब ये एंगल जो है ये हमेशा इस एंगल के बराबर होता है, ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिर्फ ये बात याद रखो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई ना एक बार, तो फिर आप ये भूल जाओगे कि इसमें डिप्रेशन का चक्कर ही खत्म हो गया। मान लीजिए ये 30 है तो भाई ये एंगल भी कितने का होगा, 30 का होगा। अब वो यहाँ पे देख रहा है बॉटम में जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भाई फिर ये एंगल भी कितना होगा हमारा, 60 डिग्री का ही होगा। यानी कि ये एंगल भी कितना होगा हमारा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना, 60 डिग्री का होगा भाई एंगल। अब तो मेरे ख्याल में लगभग समझ में आया होगा कुछ। चलो अब आ जाएगा बिल्कुल, अब आप थोड़ी देर के लिए ना मैं बिल्कुल रिलैक्स होके भूल जाओ साइन कोस का चक्कर, साइन कोस का कुछ है ही नहीं। आप मान लो एक ट्राइंगल तो आपके पास ये है जिसमें 200 ये है, 60 का ये एंगल है, तो भाई 90 का ये है। तो एक बात बताओ, छोटी सी बात, मैं आपसे ज़्यादा बड़ी नहीं पूछ रहा, ये एंगल कितने का होगा, 30 का है तो होगा, 30 का होगा। 60 की साइड जो है, मैंने बताया था आपको रूट 3 ए होती है, 60 की साइड क्या थी, रूट 3 ए थी। 30 के सामने वाली साइड थी ए और 90 के सामने वाली साइड क्या थी, 2 ए। तो मुझे कोई ये कहे ए की वैल्यू मिल जाएगी तो ये साइड पता लग जाएगी कैसे, देखो 3A को मैं 200 के बराबर रख देता हूँ, क्योंकि भाई ये 3A है और ये 200 के बराबर है, तो A की वैल्यू कितनी होगी, रूट 3A बराबर 200 है, तो 200 अपॉन रूट 3 आ गई भाई हमारे पास, यानी कि ये साइड कितनी आ गई, 200 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे आ जाओ, ये साइड आ गई भाई 200 अपॉन रूट 3, तो ये और ये बराबर ही तो है, तो ये भी कितनी होगी, 200 अपॉन रूट 3। अब थोड़ी देर के लिए एक चीज़ भूल जाओ आप, आपको निकालना क्या है, इस टावर की हाइट निकालनी है कितनी होगी, ठीक है ना, 200 अपॉन रूट 3 आएगी, मल्टीप्लाई लिख दिया था अपॉन 3 आएगी। आपको तो इस टावर की हाइट निकालनी, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता लग जाए तो टावर की हाइट निकल गई हमारी, तो ठीक है। अब देखो टावर की हाइट कैसे निकल जाएगी आपकी, अब एक बात बताओ मुझे भाई, ये आपको पता है, देखो ये आपको पता है 200 अपॉन रूट 3 है, ये एंगल ऊपर वाली में 30 का है, तो ये कितने का होगा, 60 का ही तो होगा, और ये कितने का है, 90 का। तो एक बात बताओ, 60 के सामने वाली साइड को क्या लिखते थे, रूट 3 ए तो लिखते थे, तो रूट 3 ए बराबर 200 अपॉन रूट 3 है, तो 2 रूट 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो डिवाइड में 200 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, तो मतलब 200 अपॉन कितना हो गया भाई, 3 हो गया, 200 अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आई, ए की, ए मतलब इसकी वैल्यू 200 अपॉन 3। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन 3। अब एक बात बताओ, पूरे की लेंथ तो है 200, ये लेंथ है 200 अपॉन 3, पूरे में से ये माइनस कर दो तो ये बच जाएगी, 200 में से 200 अपॉन 3 अगर हम माइनस करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 3, यहाँ पर तो आ गया 600 माइनस 200, 600 में से 200 हुए तो 400, 400 अपॉन 3 कर दो कितना आएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 3 जा 9 कंप्लीट 1 अपॉन 3, यानी कि ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री होके करना, आपको कुछ नहीं है कि कोई साइन थीटा कोस थीटा का कोई चक्कर नहीं है, सीधा सीधा आप क्वेश्चन का एक बार फैक्ट को समझ लीजिए, उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको जो सवाल है ना क्वेश्चन पेपर में, जब भी आप देखोगे हाइट एंड डिस्टेंस के, उसमें दो ही टाइप मिलेंगे, या तो एंगल 30-60 का मिलेगा या 45-45 का मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम ए टावर 125 मीटर हाई, एक टावर है जो कि 125 मीटर ऊंचा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये है कोई आदमी टावर के ऊपर खड़ा है वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ देख रहा है तब बनेगा, नीचे से ऊपर देखता है तो कैसे बनेगा, एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट हैं विच आर इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो किसी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होती है देखो दो लाइन होती है हमारे पास, ये तो हॉरिजॉन्टल होगी और ये लाइन कैसी होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होती है मतलब जो सीधी नीचे होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ द टावर, जो टावर का बेस, टावर का बेस कहाँ, धरती में मिलेगा भाई,
45 डिग्री एंड 30 डिग्री, एंगल कितने कितने डिग्री का है भाई? डिप्रेशन एंगल 45 का है और 30 का है, ठीक है। एंड आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द टावर, और टावर के किस साइड में है? सेम साइड में, मतलब ये नहीं है कि भाई एक टावर के इस साइड और एक इस साइड, ऐसा नहीं है। सेम साइड मतलब दोनों, अगर इस साइड है दोनों इस साइड मानोगे, अगर दोनों इस साइड है दोनों फिर इस साइड है टावर के, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, मतलब दोनों जो चीज़ें हैं उनके बीच में। अब देखो कैसा है, मान लीजिए ये कोई था। सबसे पहले एक बात बताता हूँ आपको, जैसे आप आगे एंगल बढ़ेगा वो हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि जितना लंबा एंगल बनेगा छोटा होता जाएगा, वो लेंथ भी छोटी होगी। अब जैसे आप यहाँ आते जाओगे तो एंगल की साइज़ क्या होती, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो एंगल बना वहाँ पे, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लीजिए ये था, सबसे पहले था कितने डिग्री का, 30 डिग्री का था सबसे, हालांकि 45 का दे रखा है, लेकिन पहले कितने का बनेगा, 30 का बनेगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं। तो भाई पहला 30 का, फिर अंदर वाला कितने का हो गया, 30 का हो गया। अब इसने कहा दूसरी जो चीज़ है उस पर, मान लीजिए दूसरी चीज़ यहाँ है, ठीक है। जब उसने इसको देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितने डिग्री का था, 45 डिग्री का था। तो भाई ये भी कितने का होगा, 45 का ही तो होगा, क्योंकि पास जितना पास आते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, जितनी दूर जाएंगे एंगल घटता जाएगा। अब आपको एक बात बताता हूँ मैं, उस टावर की हाइट दे दी 125 मीटर दे दी भाई। अब उसने आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये जो डिस्टेंस है ना ये कितनी है। अब मैं आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते हुए एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, देखो कैसे। आप ये ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल ले ली, और इसमें 125 ये है, 90 डिग्री का एंगल ये है, 45 का ये है, 45 का ये हो गया। मान लीजिए मैंने आपको बताया था रेशियो कितना होता है इनका, इनका 1:1:√2 होता है, मतलब 45 के सामने वाले का 1:1 मतलब a:a:√2a ये होता है हमारे पास। तो ये a है, तो 45 का a से सामने वाले भी यही मिलेगी, मतलब ये भी कितनी मिलेगी, 125। तो ये साइड कितनी होगी हमारे पास, 125 होगी, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ कि आपके पास इस नाम की कोई भी ट्राइंगल है, क्योंकि हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास बची बड़ी ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल का जब हम सोल्व करेंगे तो ये एंगल हमारा कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का, ये 90 का है। तो भाई ओबियस सी बात है ये एंगल कितने का होगा, 60 का होगा, 60 का होगा। मैं इस साइड को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो एक बात बताओ, 30 के सामने वाली साइड कितनी है, 125 है, ये 60 है, 60 के सामने वाली साइड कितनी होगी भाई, √103 × 125 ही तो होगी, मतलब a√3 तो होगी, 60 के सामने वाली, यही तो बताया था मैंने आपको। और ये किसके बराबर है, रूट, ये हमारे पास 125 + x के बराबर है, 125 + x के बराबर है, ठीक है। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। अब ये आप क्या करोगे, 125 + x जो है वो √3 × 125 के बराबर है, ये 125 प्लस का उधर भेज दो, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x = √3 − 125, तो इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ गया, 125 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 − यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा भाई। तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया भाई इसका करेक्ट, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हमने कुछ एक टाइप्स करवाने की कोशिश की है, अगली जो वीडियो होगी वो भी हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर होगी, और इसमें हम ऐसा करवा देंगे आपको कि आप कोई भी क्वेश्चन आए वो आप नहीं छोड़ोगे और आराम से कर लोगे। और मैं तो ये कहता हूँ सबसे आसान ही है हाइट एंड डिस्टेंस, अगर आप ध्यान से करोगे तो, ठीक है। तो अगली जो वीडियो हमारी वो कंटिन्यू रहेगी, तब तक के लिए मिलते हैं आपको।